हेलो आदाब नमस्कार सत श्री अकाल दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में बताने वाले हैं। ये सभी 12 ज्योतिर्लिंग कहां कहां स्थित है, इनकी मान्यता, विश्वसनीयता और इनसे जुड़े संपूर्ण तथ्य आपके साथ हम इस वीडियो में आज साझा करेंगे। इसलिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शुभम और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को पृथ्वी का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। यहाँ पर देवताओं द्वारा बनाया गया एक पवित्र कुंड भी है, जिसे सोमकुंड या पापनाशक तीर्थ कहा जाता है। गुजरात में सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल बंदरगाह में स्थित इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण स्वयं इंद्रदेव ने किया था, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में भी स्पष्ट है। भगवान शिव का दूसरा ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। आंध्र प्रदेश राज्य के कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के तट पर श्री शैल पर्वत पर श्री मल्लिकार्जुन विराजमान है, जिसे दक्षिण का कैलाश भी कहते हैं। अनेक धर्म ग्रंथों में इस स्थान की महिमा बताई गई है। महाभारत के अनुसार श्री शैल पर्वत पर भगवान शिव का पूजन करने से अश्वमेध यज्ञ करने जैसा फल ही प्राप्त होता है। कुछ ग्रंथों में तो यहाँ तक लिखा है कि श्री शैल के शिखर के दर्शन मात्र करने से श्रद्धालुओं के सभी प्रकार के कष्ट दूर भाग जाते हैं, साथ ही अनंत सुखों की प्राप्ति होती है। भगवान शिव का तीसरा ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में पवित्र शिप्रा नदी के तट पर भगवान शिव महाकाल रूप में विराजमान है। साथ ही महाकालेश्वर मंदिर को भगवान शिव का सबसे पवित्र मंदिर माना जाता है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव उज्जैन में खुद ही लिंग के रूप में विराजमान हुए थे। महाकालेश्वर को पृथ्वी का केंद्र माना जाता है। भगवान शिव का चौथा ज्योतिर्लिंग है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में भगवान शिव का यह पावन धाम स्थित है। इंदौर शहर के पास जिस स्थान पर यह ज्योतिर्लिंग है, उस स्थान पर नर्मदा नदी बहती है और पहाड़ के चारों ओर नदी बहने से यहाँ ओम का आकार बनता है। यहाँ दो मंदिर स्थित है, ओमकारेश्वर और ममलेश्वर। ओमकारेश्वर लिंग किसी मनुष्य द्वारा गढ़ा तराशा या बनाया हुआ नहीं है, बल्कि यह एक प्राकृतिक शिवलिंग है जिसके चारों ओर हमेशा जल भरा रहता है। भगवान शिव का पांचवा ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग जो उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित हिंदुओं का एक प्रसिद्ध मंदिर है, जो उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में बसा हुआ है। प्रतिकूल जलवायु के कारण यह मंदिर अप्रैल से नवंबर माह के मध्य ही दर्शन के लिए खुलता है। कत्यूरी शैली से बने इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण पांडवों के पौत्र महाराजा जन्मेजय ने करवाया था और यहां स्थित स्वयंभू शिवलिंग अति प्राचीन है। भगवान शिव का छठवां ज्योतिर्लिंग है भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग। महाराष्ट्र राज्य में पुणे शहर से लगभग 110 किलोमीटर की दूरी पर स्थित भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग, जो सह्याद्री पर्वत पर विराजमान है। यहीं से भीमा नदी भी निकलती है, जो दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती हुई रायचूर जिले में कृष्णा नदी से जा मिलती है। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग को मोटेश्वर महादेव भी कहा जाता है। भगवान शिव का सातवां ज्योतिर्लिंग है काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। उत्तर प्रदेश के बनारस शहर में स्थित काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, जो पवित्र गंगा नदी के पश्चिमी तट पर विराजमान है। मंदिर के मुख्य देवता को श्री विश्वनाथ और विश्वेश्वर के नाम से जाना जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है ब्रह्मांड के भगवान। वाराणसी को प्राचीन काल में काशी कहा जाता था और इसलिए इस मंदिर को लोकप्रिय रूप से काशी विश्वनाथ मंदिर कहा जाता है। भगवान शिव का आठवां ज्योतिर्लिंग है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। महाराष्ट्र के नाशिक जिले का त्र्यंबक शहर, जहां भगवान शिव त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ही विराजित है। यही इस ज्योतिर्लिंग की सबसे बड़ी विशेषता है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के निकट ब्रह्मगिरी नामक पर्वत है, इसी पर्वत से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। भगवान शिव का नौवां ज्योतिर्लिंग है बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। झारखंड राज्य के देवघर में विराजमान बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, जो एक सिद्ध पीठ है, इस कारण इस लिंग को कामना लिंग भी कहा जाता है। प्रतिवर्ष सावन के माह में श्रद्धालु सुल्तानगंज से पवित्र गंगा जल लेकर लगभग 100 किलोमीटर से भी अधिक का सफर पैदल यात्रा कर देवघर पहुंचकर बाबा भोलेनाथ को जल अर्पित करते हैं और बोलबम का जयकारा करते हैं। भगवान शिव का दसवां ज्योतिर्लिंग है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो गुजरात के बड़ौदा क्षेत्र में गोमती द्वारका के करीब स्थित है। धार्मिक पुराणों में भगवान शिव को नागों का देवता बताया गया है और नागेश्वर का अर्थ होता है नागों का ईश्वर। द्वारकापुरी से नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की दूरी लगभग 17 मील की है।
भगवान शिव का 11वां ज्योतिर्लिंग है रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। भगवान शिव का यह 11वां ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रामनाथम नामक स्थान में स्थित है। रामेश्वर तीर्थ को ही सेतुबंध तीर्थ भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना स्वयं भगवान राम ने की थी। भगवान श्री राम द्वारा स्थापित किए जाने के कारण इस ज्योतिर्लिंग को भगवान राम का नाम रामेश्वरम दिया गया। भगवान शिव का 12वां और अंतिम ज्योतिर्लिंग है ग्रीनेश्वर ज्योतिर्लिंग। ग्रीनेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के संभाजीनगर के समीप दौलताबाद के पास स्थित है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से यह अंतिम ज्योतिर्लिंग है, जिससे इस स्थान को शिवालय भी कहा जाता है। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। अगर आप भगवान श्री भोलेनाथ के परम भक्त हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा।